दोस्तों सब्सक्राइब करें ये एक्स मनाना यूट्यूब चैनल को और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए अपने मोबाइल पर इस बेल आइकन पर क्लिक करें। दोस्तों सामने जो मोबाइल देख रहे हैं ये है केचडा K9 और इस मोबाइल के अंदर में कंपनी ने यूज किया है 6531EIC, ठीक है। और इसी मॉडल में जो है पहले कंपनी यूज कर रहा था मीडियाटेक 6531 और ये IC यूज कर रहा था, अब जो कंपनी इसमें जो है 6531EIC जो है इसमें यूज कर रहा है, ठीक है। तो दोस्तों इस मोबाइल के बारे में कई बार मुझे कमेंट आया था कि भाई इसमें जो कॉलेज का प्रॉब्लम है केचडा K9 में और उसका IC है 6531E और वो मोबाइल जो है मेडिकल बॉक्स में मॉडल नंबर दिया हुआ नहीं है और मेडिकल बॉक्स में सब। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि इस मोबाइल को किस तरह से आप जो है मेडिकल बॉक्स से फॉर्मेट कर सकते हैं, इसका फ्लैश फाइल रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको पहले मेडिकल बॉक्स को ओपन करके दिखाते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इस मोबाइल को आपको किस तरह से बूट कराना है और कैसे इसका फ्लैश फाइल को रीड करना है, कैसे इस मोबाइल को आपको फॉर्मेट करना है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि सामने जो है मेडिकल टूल जो है ओपन हो चुका है। उसके बाद सबसे पहले हम यहाँ पे SPD पे क्लिक करना है, उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है 6531E का कोई ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे ओनली 6531 है। और उसके बाद इसमें जो है 6531 के बदले में यहाँ पे कंपनी ने जो दिया है 6631E। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हैं 6631E है, तो आपको यहाँ पे 6631E सिलेक्ट करना होगा। जिस मोबाइल के अंदर में है SPD IC 6531E है उसमें आपको 6631E सिलेक्ट करना होगा और आपको मोबाइल को फॉर्मेट करना है। तो फॉर्मेट पे क्लिक करके आप ऑटो चेक लगा के फॉर्मेट कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूँ फॉर्मेट करने से पहले आपको मोबाइल को रीड करना जरूरी है, ठीक है। तो चलिए हम पहले आपको रीड करके दिखाते हैं यहाँ पे। चलिए हमने यहाँ पे रीड पे चेक लगा दिया, उसके बाद हमने यहाँ पे स्टार्ट पर क्लिक कर दिया, ठीक है। उसके बाद हमें मोबाइल को बूट कराना है, तो मोबाइल को कैसे बूट कराना है चलिए हम आपको दिखाते हैं मोबाइल किस तरह से बूट कराना है। तो दोस्तों मोबाइल को बूट कराने के लिए आपको मोबाइल का बैटरी निकालना है और फिर उसके बाद बैटरी लगा देना है। बैटरी लगाने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि केचडा K9 का ये मॉडल है मेरे पास, तो इस मॉडल में जो इसका बूट की है वो है ये 4 नंबर, उसके बाद यहाँ पर 1 नंबर, तो ये दोनों इसका बूट की है। तो ये दोनों बूट की को आपको जो है कंटिन्यू सेम टाइम आपको प्रेस करना है, ठीक है। दोनों बटन एक साथ दबनी चाहिए तभी आपका मोबाइल बूट करेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 नंबर और 4 नंबर दोनों बटन को हम यहाँ पे जो है कंटिन्यू एक साथ दबा करके रखेंगे, उसके बाद डाटा केबल लगाएंगे मोबाइल बूट कर जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम मोबाइल को बूट करा रहे हैं 1 नंबर और 4 नंबर बटन को दबा करके जो है केबल लगाएंगे मोबाइल को ऑफ करके और मोबाइल जो है यहाँ पे बूट कर जाएगा। दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं मोबाइल बूट कर रहा है फिर जो है छोड़ दे रहा है, ठीक है। तो ऐसे में क्या करेंगे चलिए फिर हम दोबारा इसमें जो है ट्राई करेंगे, दोबारा फिर से कोशिश करेंगे। तो चलिए पहले हम यहाँ पे डिवाइस मैनेजर को ओपन कर लेते हैं, उसके बाद हम आपको दिखाते हैं यहाँ पे इस मोबाइल को बूट करा करके। तो चलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे फिर से स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद मोबाइल को ऑफ करेंगे, बैटरी फिर से निकाल देंगे, फिर से बैटरी लगाएंगे मोबाइल में, उसके बाद 1 नंबर और 4 नंबर बटन को कंटिन्यू जो है सेम टाइम हमें जो है दबा के रखना है। उसके बाद आप डाटा केबल लगाना है, डाटा केबल लगाएंगे तो मोबाइल बूट करेगा। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं मोबाइल बूट कर चुका है और बूट करने के बाद देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये छोड़ दिया है फिर दोबारा, ठीक है। तो ऐसे में डाटा केबल आपका लूज कनेक्शन है तो छोड़ सकता है दोबारा, तो फिर आप दोबारा फिर से ट्राई करेंगे या कोई अच्छा सा केबल को आप यूज़ करेंगे। तो चलिए फिर से हम यहाँ पे स्टार्ट बटन पे क्लिक करके फिर से हम यहाँ पे ट्राई करते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं मोबाइल हमारा बूट कर चुका है और हमारा फाइल जो यहाँ पे रीड हो रहा है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको दिखाया यहाँ पे कि मैंने जो है 6631E बूट नंबर सेलेक्ट किया, लेकिन ये मोबाइल है 6531E। तो 6531E का कोई भी मोबाइल अगर आपके पास आता है, ठीक है, SPD CPU में, तो आप उसको जो है 6631E में जो है बूट नंबर सेलेक्ट करके जो है इस तरह से रीड कर सकते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि मान के चलिए केचडा K9 में 1 नंबर 4 नंबर बूट की है तो किसी दूसरे मॉडल में जो है जिसमें SPD 6531IC लगा होगा तो उसमें भी जो है 4 नंबर 1 नंबर ही बूट होगा, उसमें कोई अदर बूट भी हो सकता है, जैसे कि स्टार हच या वॉल्यूम अप एंड डाउन, ठीक है। तो स्टार हच या वॉल्यूम अप एंड डाउन और कोई भी अदर जो है बटन में जो उसका बूट की हो सकता है। तो आपको किसी भी SPD CPU के बारे में पहले उसका बूट की जानना है तभी आप जो है मोबाइल को बूट करा सकते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने इस मोबाइल को अभी फॉर्मेट किया और सक्सेसफुली ये मोबाइल फॉर्मेट हो चुका है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आप किसी काम आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और शेयर करें फेसबुक व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ, और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।